अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जलाल ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यू सेंट्रल मॉल जो बैरिया ऑर्चर्ड फेस वन के अंदर बनने जा रहा है। इसके अंदर क्या डिफरेंट डेवलपर है, ये कैसे ये एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं और इसको किस तरह से वो सक्सेसफुल करेंगे, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये सिर्फ ऑर्चर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा मॉल और इतनी सी आबादी के लिए तो क्या ये चल पाएगा। तो इसको हम एक तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो राइवन रोड के सराउंडिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, जिसके अंदर आप देख लें चनारबाग, इवन लेक सिटी को भी मैं इसके अंदर कंसिडर करूँगा, क्योंकि वो भी चंद 2-3 किलोमीटर के फासले के ऊपर अल कबीर है। इसी तरह आगे ऑर्चर्ड के खुद फेस जो हैं वो 4 फेसेस हैं ऑर्चर्ड के, फेस 1, 2, 3, फिर फेस 2 एक्सटेंशन है। तो यही बहुत बड़ी आबादी है बैरिया की ही अगर सिर्फ देखें तो। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है उस साइड पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी आबादी है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि जब ये मॉल ने डिलीवर होना है 4 से 4.5 साल के बाद, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितनी आबादी हो चुकी होगी। तो क्योंकि इसमें जो आप देख रहे होंगे 26 स्टोरीज बिल्डिंग जो है वो ये बनाने जा रहे हैं, तो ये डेवलपर्स और जो बैरिया टाउन ने इनको ये जगह दी है वो भी कुछ सोच समझ के ही दी है, और इन्होंने भी जो ये प्लान किया वो सोच समझ के किया है। क्यू लिंक डेवलपर जो है उनको ये एक्सपीरियंस ज़रूर है कि उन्होंने मॉल्स को किस तरह से रन करना है। जिसकी मिसाल हम लेते हैं कि बैरिया टाउन के अंदर जो जैस्मिन मॉल उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने एक तो असलम मार्ट जो उनका अपना ब्रांड है वो उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ब्रांड्स लेके आए, और आज हम देखते हैं कि बैरिया टाउन का अगर कोई सबसे सक्सेसफुल मॉल चल रहा है तो वो जैस्मिन मॉल है। इसी तरह से जो इन्होंने ऑर्चर्ड के अंदर बिल्डिंग्स लेके आए ऑर्चर्ड मॉल के नाम से, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं, ब्रॉडवे के नाम से वो भी ऑल कंप्लीट है ऑलमोस्ट सारा उसका। तो इसी तरह से इस डेवलपर को ये पता है कि उन्होंने मॉल्स किस तरह से चलाना है। इसी तरह उन्होंने क्यू सेंट्रल के अंदर भी बेसमेंट जो है वो सारी असलम मार्ट के लिए रखी हुई है। तो बहुत अच्छा डेवलपर है, और स्पेशली मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जो इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी है वो ये है कि अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे रिटर्न करना चाहें तो ये आपसे बाईबैक करेंगे और उसमें कोई भी परसेंटेज आपसे वो कट नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर 2 साल के बाद आप करेंगे तो वो प्रॉफिट के साथ आपको आपके पैसे रिटर्न करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम देख रहे हैं कि अगर 2 साल के बाद मेरे ख्याल से आप रीफंड की बजाय आप मार्केट में प्रॉफिट पे दे रहे होंगे, बजाय इसके कि आप इनको थोड़े से प्रॉफिट में दे के अपने पैसे रिटर्न करेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी स्पीडी जो है वो इसके ऊपर काम करना है, और डिगिंग भी सुनने में है कि विद इन 1 मंथ जो है वो डिगिंग इसकी स्टार्ट हो जानी है। तो बहुत अच्छा मॉल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्ज़िट की एनी टाइम जो है वो अवेलेबल है रास्ता निकलने के लिए। तो आप इस मॉल के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मेरे से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि अभी सिर्फ कमर्शियल का इन्होंने अपनी इन्वेंट्री दिया, अभी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो हैं वो इनके अभी लॉन्च नहीं किए गए। अभी जो 5 फ्लोर्स हैं जो 4.5 लाख स्क्वायर फुट का एरिया है अभी सिर्फ उसको इन्होंने लॉन्च किया, उसकी प्राइस लिस्ट वगैरह सारा कुछ आ गया। अगर फुल पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ इनकी रेंटल जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो मज़ीद डिटेल्स के लिए मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। आज की सरमायाकारी कल का मुनाफा।